नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान को प्रसन्न करने के लिए रोजाना धूप ज्योत की जाती है, लेकिन धीरे धीरे अब लोग अपने घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसका कारण है उसकी हल्की महक जो घर के वातावरण को सुगंधित बना देती है। लेकिन इसकी महक जहां एक तरफ अच्छा महसूस कराती है, वहीं दूसरी तरफ ये आपको कंगाल भी बना सकती है। जी हाँ, घर को सुगंधित करने वाली इस अगरबत्ती के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही इसके नुकसान भी आपको जानने जरूरी हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो इसके फायदे और नुकसान जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अगरबत्ती के फायदों की। अगरबत्ती को देवी देवताओं के आगे जलाने से वो प्रसन्न तो होते ही हैं, इसके साथ ही इसकी सुगंध मन को शांति भी प्रदान करती है। कहते हैं कि अगरबत्ती जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। इसके अलावा इसकी सुगंध से मस्तिष्क का दर्द और उससे संबंधित रोगों का नाश होता है। वहीं अगर आप गृह कलेश और पितृदोष से परेशान हैं, तो प्रतिदिन अगरबत्ती जलाने से दोषों का भी शमन होता है और घर में शांति बनी रहती है। आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में रोजाना अगरबत्ती जलाते हैं तो इससे आपकी तनाव की समस्या दूर होती है। इसके अलावा अगर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती तो सुगंध वाली अगरबत्ती से ये परेशानी भी हल हो जाती है। अगरबत्ती को लेकर ये भी कहा जाता है कि इसे घर में लगाने से दिव्य शक्तियाँ आकर्षित होती हैं और व्यक्ति को उनसे मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये तो थे अगरबत्ती जलाने के फायदे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप इसे अपने घर में जलाते हैं तो इससे होने वाले नुकसान को एक बार जानना आपके लिए जरूरी होगा। आपको बता दें कि अगरबत्ती में बांस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसे भारतीय संस्कृति में जलाना वर्जित है। कहा जाता है कि यदि बांस की लकड़ी से चूल्हा जलाया जाए तो वंश नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही श्री कृष्ण जी हमेशा अपने पास बांस की बांसुरी रखते थे और भारतीय वास्तु विज्ञान में भी बांस को शुभ माना गया है। शादी, जनेऊ, मुंडन आदि में बांस की पूजा और बांस से मंडप बनाने के पीछे भी यही कारण है, इसीलिए भी बांस को जलाना शुभ नहीं होता। ऐसी मान्यता भी है कि बांस जलाने से भाग्य का नाश हो जाता है। बांस का होना भाग्यवर्धक है, लेकिन उसे जलाने से दुर्भाग्य घटित होता है। इसके अलावा शोधकर्ताओं के अनुसार अगरबत्ती का धुआं हमारे फेफड़ों के लिए खतरनाक होता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इसका इस्तेमाल कतई ना करें, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। खुशबूदार अगरबत्ती को घर के अंदर जलाने से वायु प्रदूषण होता है। इसमें मौजूद केमिकल DNA में बदलाव करने के साथ ही शरीर में जलन और कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। दरअसल अगरबत्तियों को बनाने में कई तरह के तेल, रसायन, लकड़ी, नकली सेंट और दूसरी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इन रसायनों की वजह से ल्यूकेमिया और फेफड़ों, त्वचा का कैंसर होने का डर रहता है। कुंडली TV डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।